हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो मेरे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा एक लास्ट टॉपिक जिसकी चर्चा बकाया, लीकेज वर्सेस इंजेक्शन। बेटा जैसे ये टॉपिक खत्म करूँगा, मैंने कल भी बोला था स्टार्टिंग के 10 मिनट का टॉपिक है, चैप्टर वाइज हो जाएगा, ठीक है जी। और एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ सकते हैं, देखते हैं आज शुरू करें या नहीं नेक्स्ट चैप्टर। बिना बेसिस के नहीं लिखना, अगर मैं वर्ड बोल रहा और सर्कुलर फ्लो से पैसा निकल रहा है तो उसको बोलेंगे लीकेज। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल बात बाबू। अब मुझे उन चारों डायग्राम को याद रखना है और देखना है कब कब लीकेज हुई, कब कब इंजेक्शन हुआ। सब समझ में आ जाएगा, मिनटों का मुद्दा है, आराम से देखते रहना। तो बाबू बेसिस ऑफ डिफरेंस में टू सेक्टर इकोनॉमी, बेसिस ऑफ डिफरेंस में टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, बेसिस ऑफ डिफरेंस में थ्री सेक्टर इकोनॉमी और बेसिस ऑफ डिफरेंस में फोर सेक्टर इकोनॉमी। मतलब पूरा का पूरा टॉपिक पिछले टॉपिक पर ही बेस्ड है। सब सामने देखना, आराम से क्लियर करेंगे। बाबू अगर मैं टू सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम याद करूं, था क्या याद कराओ? हाउस होल्ड, फर्म, फैक्टर, सर्विसेज दी थी,
फैक्टर पेमेंट दी थी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया था, गुड्स और सर्विस दी थी। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी इकोनॉमी से पैसा आउट हुआ? कभी आउट ही नहीं हुआ, निकला ही नहीं पैसा में। कभी भी इकोनॉमी में नया पैसा कुछ आया कहीं से? नहीं, वो भी नहीं हुआ। यानी कि बेटा टू सेक्टर इकोनॉमी में ना तो कोई इंजेक्शन हुआ ना ही कोई लीकेज हुई। ये तो बहुत सिंपल था, ये तो मजाक मजाक थी। अब आओ आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू जब फाइनेंशियल मार्केट आ गई तो क्या हुआ? सेविंग्स हाउस होल्ड ने की, फर्म ने भी करी सेविंग्स, और बोरोइंग फर्म ने करी। अच्छा एक बात बताओ, कभी पैसा आउट हुआ? हुआ। पैसा जब इसके पास आया इसने भी जोड़ लिया, पैसा जब इसके भी पास आया इसने भी सेविंग्स कर ली। एक बार को तो इकोनॉमी से पैसा आउट हुआ ना आपके सेविंग करने से, एक बार तो इकोनॉमी से पैसा चला गया ना, बैंक में चला गया ना, फाइनेंशियल मार्केट में चला गया ना, एक बार तो पैसा आउट हो ही गया। तो बाबू जब पैसा आउट हुआ, जब इकोनॉमी से पैसा विड्रीव हो गया, उसे ही तो हम लीकेज बोलते हैं। यानी कि सेविंग्स यहां पर लीकेज का काम कर रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? और बड़े समझदार हो, बहुत समझदार हो तो एक मिनट में आंसर कर दोगे, पैसा दोबारा कब आया इकोनॉमी में? बहुत बढ़िया आंसर, फटाफट बोलो, तेज बोलो। बोरोइंग, सबको समझ में आया बोरोइंग से पैसा आया? पर बेटा बोरोइंग का नाम बोरोइंग नहीं लिखना, यहां पर नाम क्या लिखना है ये समझ लो। बेटा नाम लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट। बाबू मैक्रो इकोनॉमिक्स की ना ये कहानी है, ये दो वर्ड ना बड़े ज्यादा रिपीट होते हैं, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। बाबू इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है बैंक के एंगल से। बाबू ठीक है आपके एंगल से तो आपने बोरोइंग करी, आपने लोन लिया है, पर बेटा बैंक के हिसाब से सोचो तो उसने इन्वेस्टमेंट किया आपको लोन देकर, बैंक को उसके ऊपर रिटर्न मिलने वाला है, ब्याज मिलने वाली है। तो एक बात बैंक के एंगल से लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रख लेना। ये दो वर्ड बड़े ज़्यादा रिपीट होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे साल भर में, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट साथ साथ चलेंगे, समझ आए? ठीक है, अगर मन में याद रखना है तो बोरोइंग ही है, पर लिखना बोरोइंग नहीं है, लिखना इन्वेस्टमेंट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई ना, याद भी आ गई होगी। ठीक है, और देखो आपको ये पता है, मैंने तो बताया नहीं, सेविंग भी आपने बताया और इन्वेस्टमेंट भी आपने बताया। जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम था तो नीचे सिर्फ मनी फ्लो था, फाइनेंशियल सॉरी फैक्टर पेमेंट, और उसके बाद इन्होंने क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट के साथ आप लिंक को टैक्सेस दोनों दे रहे थे, गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट दे रही थी हाउस होल्ड को, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी, और गवर्नमेंट क्या दे रही थी बेटा फार्म को, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। ठीक है, इससे जल्दी तो कोई रिवाइज भी नहीं करा सकता जितनी स्पीड में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा भाई एक बात बताओ, यहाँ लीकेज क्या क्या हुई? एक तो सेविंग्स तो लीकेज है भाई, जब थ्री सेक्टर में जब सेविंग हुई वो तो लीकेज है। जैसे ही हाउस होल्ड ने बैंक में पैसा सेव कर लिया, एक बार को तो इकोनॉमी से पैसा बाहर निकल गया, सेविंग्स लीकेज है कि नहीं है? 100% लीकेज है। और बताओ, बहुत ही बढ़िया मास्टर ब्लास्टर स्ट्रोक था ये, जिसने भी टैक्स बोल दिया, मजा ही आ गया सुन के। बाबू जैसे ही हाउस होल्ड और फर्म ने टैक्स पे किया सरकार को, आपको नहीं लगता एक बार के लिए तो पैसा बाहर हो ही गया? बहुत ही बढ़िया जवाब। तो बाबू मैं दोनों बातें लिख देता हूँ, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स प्लस टैक्सेस दोनों ही बेटा लीकेज हैं। बाबू थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट तो सेम बात, ये तो इंजेक्शन है ही, नया पैसा आ ही रहा है मार्केट में वापस, आपने बैंक में जोड़ा, लेकिन जैसे ही बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर दी, फर्म्स को लोन दे दिया, बाबू ये तो इंजेक्शन है ही है, कुछ और भी इंजेक्शन है बताओ क्या? सिर्फ सब्सिडी, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब देखो बहुत बढ़िया आंसर, मजा आ रहा है भैया, लग रहा है पढ़े लिखों को पढ़ा रहा हूँ। सच बात है ये बाबू, गवर्नमेंट ने पे करी चाहे सब्सिडी, गवर्नमेंट ने चाहे पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस करी, गवर्नमेंट ने चाहे फैक्टर पेमेंट करी, गवर्नमेंट ने चाहे ट्रांसफर पेमेंट करी, इकोनॉमी में पैसा आया।
भैया आपने सरकार को टैक्सेस दे दिए, मैं कहता हूँ आप जीएसटी भी देते हो, इनकम टैक्स भी देते हो सरकार को। पता है आज की तारीख में सरकार का कलेक्शन कितना है? लगभग 28 लाख करोड़ आसपास पहुंच चुका है, 28 लाख करोड़ इनकम टैक्स और जीएसटी मिलाकर। लेकिन यकीन मानना, सरकार के खर्चे उस 28 लाख करोड़ से भी बहुत ज्यादा है। सरकार क्या करती है इस टैक्सेस को? खर्चती तो है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी हो, चाहे बेटा गुड्स एंड सर्विस की पेमेंट करनी हो, चाहे फैक्टर पेमेंट देनी हो, चाहे ट्रांसफर पेमेंट देनी हो, सब खर्चती तो आपके ऊपर ही है। अब क्या मैं चारों का अलग अलग नाम लिखूं? नहीं बेटा बाबू, इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, गवर्नमेंट एक्सपेंस। खत्म खान, चारों आ गए। अलग अलग लिखता क्यों? लिखता गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंस लिख दो, वो भी खत्म खान। समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अब आप वो सोचते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी में, पहले डायग्राम याद करते हैं क्या था। बाबू फॉरेन सेक्टर आ गया ना, आप एक चीज के लिए दोनों पे करते हो फॉरेन सेक्टर को, चाहे आप हाउस होल्ड हो चाहे फर्म। क्या? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन सेक्टर पे करता था हाउस होल्ड को दो चीजें, फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से पैसे आ जाते थे। अब मैं पूछूं फोर सेक्टर में क्या क्या चीजें लीकेज हैं? भाई दो तो पुरानी, सेविंग्स और टैक्सेस तो कन्फर्म, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो इंजेक्शन है। समझदार को इशारा काफी। और क्या चीज मेन आपको दिखाई दे रही है? इंजेक्शन मेन मेन चीज, एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल मेन चीज तो एक्सपोर्ट्स है, ठीक है ना जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? तो वो लिख दो, मैं एक्सपोर्ट्स इंजेक्शन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चैप्टर लिखा था इतना ही आसान इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? बाबू हमेशा इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब बोलो नहीं है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट का मतलब वही आएगा जो अकाउंट्स में आप सोचते हो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा है वो दीजिए, पर यहाँ पे वो बात नहीं चल रही। बाबू चाहे सेविंग्स है चाहे इन्वेस्टमेंट है, मैंने बोल दिया ये दोनों वर्ड साथ साथ चलते रहेंगे। सेविंग्स कुछ और नहीं, ध्यान रखना हो तो प्रॉफिट को ध्यान रखो, कहाँ से निकलता है? पी एंड एल अकाउंट से निकलता है। अगर वो सारा का सारा फ्लो है तो बेटा इन्वेस्टमेंट भी क्या बनेगी? फ्लो बनेगी। इसलिए मैंने रोक लिया था, मैंने कहा था कल चर्चा कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता था इन्वेस्टमेंट वर्ड क्लियर ही नहीं है। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा आपके दिमाग में अकाउंट्स की इन्वेस्टमेंट घूमेगी, तो मैंने कहा जब मैं कल बताऊंगा ये आपको कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी दे दूंगा। क्लियर है बेटा बात? इस चैप्टर के लिए इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब क्या है आपको? वो जो बोरोइंग हम करते हैं वो बैंक के हिसाब से लेते हैं इन्वेस्टमेंट।